नमस्कार साथियों, NIOS के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, शिक्षा एवं सैवद्ध विज्ञान संकाय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से आप सबका स्वागत करती हूँ। DLED के पाठ्यक्रम संख्या 506 के आज का प्रकरण है व्यक्तित्व, अर्थ, संप्रत्यय, लक्षण व विशेषताएं। इस प्रकरण पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे ही विभाग की साथी डॉक्टर ज्योति पांडे। डॉक्टर ज्योति पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति पांडे वर्तमान में शिक्षा एवं सैवद्ध विज्ञान संकाय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के में कार्यरत हैं और आज की हमारी विशेषज्ञ हैं जो इस प्रकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। मैं सबसे पहले डॉक्टर ज्योति पांडे से जानना चाहूँगी कि ज्योति जी, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व हमारे हाव भाव, हमारे सभी प्रकार के कार्य करने का एक तरीका है। वास्तविक रूप में यह पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के शब्द परसोना से लिया गया है। परसोना शब्द का अर्थ है नकाब अथवा मुखौटा। जिस प्रकार मंच पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्हीं के समान वस्त्र इत्यादि धारण करके, उन्हीं के समान संवाद बोलकर, उन्हीं के समान मुखौटा धारण करके उस व्यक्ति विशेष के गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जो भी वेशभूषा धारण करता है उस वेशभूषा से वो उस व्यक्ति विशेष के गुणों को प्रदर्शित करता है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम किस प्रकार बातचीत करते हैं, किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, ये सभी मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व को और अधिक अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के विषय में भी बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे प्रमुख परिभाषा है गार्डन आलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा जो 1937 में दी गई। इनका मानना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इस परिभाषा में कुछ मुख्य तत्व व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम है मनोशारीरिक तंत्र। मनोशारीरिक तंत्र से हमारा तात्पर्य मानसिक एवं शारीरिक। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। मानसिक तत्व जितने महत्वपूर्ण हैं, शारीरिक तत्वों का भी उतना ही अधिक योगदान व्यक्तित्व के निर्माण में होता है। साथ ही साथ ये एक गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक से तात्पर्य गतिशील होना, यानी कि व्यक्तित्व का विकास रुकता नहीं है। व्यक्तित्व सदैव नई नई परिस्थितियों में आने पर विकसित होता रहता है। हर नई परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ने का प्रयास करती है। और संगठन, संगठन का तात्पर्य विभिन्न तत्वों को मिलाकर बनाई हुई स्थिति, यानी कि व्यक्तित्व में किसी एक तत्व का की भूमिका नहीं होती है, बल्कि व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के तत्व एकीकृत होकर, संगठित होकर मिल जाते हैं तथा गतिशील रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास करते रहते हैं। और सबसे मुख्य बात अपूर्व समायोजन। समायोजन का तात्पर्य होता है अनुकूलन, यानी कि हम किस प्रकार अपने वातावरण से अनुकूलन स्थापित करें, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्तित्व व्यक्तियों के वातावरण से समायोजन करवाने का एक ऐसा माध्यम है जो सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। इसी संदर्भ में मन के द्वारा व्यक्तित्व को एक अलग रूप में परिभाषित किया गया। उनका मानना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं का विशिष्ट संगठन है।
इस संगठन के अंतर्गत मन ने व्यवहार के विभिन्न तरीकों, रुचियों और क्षमताओं को भी शामिल किया। तो इस प्रकार संक्षेप में व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप की संपूर्णता है। अर्थात व्यक्ति की शारीरिक जितनी भी विशेषताएं होती हैं, वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, या उसके जितने सारे भाव हैं, उसके मानसिक विशेषताएं, मानसिक दक्षताएं, उसका नैतिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, ये सब मिलकर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं और इन्हीं सब तत्वों से मिलकर व्यक्तित्व अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्तात्मकता कहलाती है, ताकि उसमें सभी तत्वों का संगठित रूप में समावेश हो। ज्योति जी, आपने व्यक्तित्व का अर्थ बताया कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। अब ये बताइए कि व्यक्तित्व की प्रकृति के बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं व्यक्तित्व में जो पाई जाती हैं, कृपया उन पर कुछ प्रकाश डालें। जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्तित्व संगठित रूप में ही विकसित होता है, इसी वजह से व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश होता है और जो व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं में हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यवहार को देखकर ही हम उसके व्यक्तित्व के विषय में जान सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने इन गुणों का को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है, सही स्थिति में प्रदर्शित करता है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि उसकी व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ सकारात्मक है, अतः उसका व्यक्तित्व भी सकारात्मक है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो गुण पाए जाते हैं, कुछ गुण आंतरिक होते हैं और कुछ गुण बाह्य रूप में विद्यमान होते हैं। आंतरिक और बाह्य गुणों का प्रदर्शन व्यक्ति आवश्यकता के अनुरूप करता है। धीरे धीरे करके ये सभी गुण व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिलक्षित होने लग जाते हैं। लेकिन इन सभी गुणों का परिलक्षित होना और इन सभी गुणों का विकसित होना दो मुख्य तत्वों पर निर्भर करता है। ये दो मुख्य तत्व हैं वंशानुगतता एवं वातावरण। वंशानुगतता से तात्पर्य है अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणों का समावेश होना और साथ ही साथ जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, उस प्रकार के वातावरण का संपूर्ण प्रभाव हमें उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। यदि बालक का विकास एवं पालन पोषण सकारात्मक वातावरण में होता है, तो उसमें सभी प्रकार के सकारात्मक गुणों का विकास हो जाता है। लेकिन यदि बालक ऐसे वातावरण में पोषित होता है जो नकारात्मक है, तो हम चाहकर भी उस वातावरण के प्रभाव को उसके व्यक्तित्व से दूर नहीं कर सकते। साथ ही साथ व्यक्तित्व सदैव गतिशील रहता है। हमेशा हम अपने वातावरण से, अपने आसपास के व्यक्तियों के व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, अपनी परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के नए तत्वों को, नए गुणों को अपने अंदर शामिल करते रहते हैं और इस प्रकार हमारा व्यक्तित्व सदैव विकास की ओर बढ़ता रहता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार का मापन माना जाता है। यदि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज में व्यक्तियों के साथ या कोई भी छात्र कक्षा में अध्यापक के साथ, अपने माता पिता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उस व्यवहार को हम माप सकते हैं। इसके लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके उसके व्यवहार का मापन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो है, जहाँ एक ओर वंशानुगतता और वातावरण महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, वहीं जो है प्रेरणा, पारितोषिक आदि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। यदि सभी तत्वों को मिलाकर देखा जाए, तो व्यक्तित्व पर समग्रता का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी तत्वों को
समग्र रूप में मिलकर ही हमारे व्यक्तित्व का विकास संभव होता है और हमारा व्यक्तित्व समग्र रूप से हमारे समक्ष, बालक के समक्ष, कक्षा कक्ष की उचित परिस्थितियों में माता पिता के समक्ष विकसित होता जाता है और इन सबके फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार की विशेषताएं व्यक्तित्व में हमारे विकसित होती रहती हैं। इन विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है आत्मचेतना। आत्मचेतना का तात्पर्य है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में जाने, हर व्यक्ति जाने कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं। कई बार हम आसपास ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो अत्यंत गुणवान होते हैं परंतु उनको इसकी जानकारी नहीं होती। कई छात्र हमारे समक्ष कक्षा में विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं लेकिन उनके उन गुणों की पहचान कर पाना कई बार उनके स्वयं के लिए या उनके माता पिता के लिए भी संभव नहीं हो पाता। इस वजह से उन गुणों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता और उनका व्यक्तित्व कुसुमायोजन की ओर भी बढ़ सकता है। तो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है आत्म चेतना। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है सामाजिकता। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारे व्यक्तित्व का अधिकतर विकास सामाजिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। हम समाज में व्यक्तियों से जितनी अधिक अंतरक्रिया करते हैं, कक्षा में छात्र दूसरे छात्र से, कक्षा में छात्र अपने शिक्षक से अथवा अन्य शिक्षकों से जितनी अधिक अंतरक्रिया करता है, हमेशा उसमें नए नए गुणों का विकास होता है तथा उसमें सामाजिकता के फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व निखर कर हमारे सामने आता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है सामंजस्य स्थापित करना। जो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में, अपनी सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों में, सकारात्मक व नकारात्मक स्थितियों में जितना अधिक अच्छी तरह से अनुकूलन स्थापित कर लेता है, वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उतनी ही अच्छी तरह से विकसित करने में स्वयं की मदद स्वयं से ही कर पाता है। साथ ही साथ व्यक्तित्व की चौथी प्रमुख विशेषता है कि निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास उसी रूप में करना चाहता है जिसके माध्यम से वो अपने निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार यदि कोई बालक बचपन से ही खिलाड़ी बनना चाहता है तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास उसी रूप में करेगा जो उस निर्देशित लक्ष्य हेतु यानी कि खिलाड़ी बनने हेतु आवश्यक हैं। वो अपने शारीरिक विकास पर भी बल देगा, मानसिक विकास पर भी बल देगा और उसी से संबंधित क्रियाओं हेतु अभिप्रेरित रहेगा। साथ ही साथ व्यक्तित्व की अगली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व सही व्यक्तित्व के विकास हेतु ये जरूरी है कि हम शारीरिक रूप से जहाँ एक ओर स्वस्थ रहें वहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और इस शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से ही हम व्यक्ति का, छात्रों का सही रूप से विकास कर सकते हैं। एकता व एकीकरण व्यक्तित्व की एक अगली विशेषता है। एकता व एकीकरण से तात्पर्य विभिन्न तत्वों का समावेश होना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि व्यक्तित्व किसी एक तत्व के माध्यम से विकसित नहीं होता बल्कि विभिन्न तत्वों का इसमें समावेश होता है, अतः ये एकीकृत होकर जो है समग्र रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और साथ ही साथ सबसे प्रमुख विशेषता है विकास की निरंतरता, यानी कि व्यक्तित्व का विकास लगातार होता रहता है। विभिन्न स्थिति परिस्थितियों में हम अपने व्यक्तित्व में नवीन नवीन गुणों को सम्मिलित करते रहते हैं जिससे ये विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जी ज्योति, अभी आपने बताया कि व्यक्तित्व की कौन कौन सी खास विशेषताएं हैं, क्या क्या बातें व्यक्तित्व में शामिल हैं। अब हमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लक्षण बताइए जिसके आधार पर हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकें। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। जी रश्मि जी, व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए सबसे प्रमुख तत्व ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। चाहे घर में जुड़वा बालक भी हों, देखने में एक जैसे हों, लेकिन यदि हम बहुत ही गहन अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व में समानता नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी आदतें, उनकी क्षमताएं,
उनके गुण एक दूसरे से कुछ स्तर तक मेल खाएंगे, लेकिन कुछ स्तर तक मेल नहीं खाएंगे। साथ ही साथ व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण ये भी है कि व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता है। व्यक्तित्व का विकास बालक के जीवन के विभिन्न स्तरों पर विकास होता रहता है। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था पर वो जीवन के विभिन्न स्तरों के पर अलग अलग प्रकार के गुणों को अपने अंदर विकसित करता चला जाता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये गुण वो अपने व्यवहार में प्रयोग करता है, ये गुण उसके व्यवहार में संस्थापित हो जाते हैं तथा वह गुण उसके स्थायी गुणों के रूप में उसके व्यक्तित्व में सदैव परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार व्यक्तित्व कभी भी स्थिर रूप में नहीं रहता है, व्यक्तित्व हमेशा गतिशील रहता है। अपने आसपास की स्थितियों से, परिस्थितियों से नई नई गुणों को, नई नई क्षमताओं को सीखना मनुष्य का कौशल माना जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया प्राप्त करना चाहता है। इस वजह से व्यक्तित्व सदैव गतिशील अवस्था में ही रहता है। अगली विशेषता है, अगला लक्षण है कि व्यक्तित्व समग्र रूप में कार्य करता है। विभिन्न तत्वों में ऐसा नहीं होता कि हम शारीरिक तत्व को अलग कर दें, मानसिक तत्व को अलग कर दें, नैतिक तत्व को अलग कर दें या आध्यात्मिक तत्व को अलग कर दें। जितने भी तत्व हैं वे सब क्योंकि संगठित रूप से ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अतः संगठित रूप से ही वो समग्र रूप में मिलकर किसी भी कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है व्यक्तित्व वंशानुगतता और वातावरण का परिणाम होता है। जिस प्रकार की वंशानुगतता बालक को अपने माता पिता आदि से प्राप्त होती है, वही वंशानुगतता प्रदान किए गए वातावरण में मिलकर जो है उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करता जाता है, उसके व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता चला जाता है। जबकि जो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं करता, वह अपने आप को कुसमायोजित व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाता है। कुसमायोजित व्यक्तित्व का तात्पर्य है कि चाहे एक परिस्थिति हो या दूसरी परिस्थिति हो, वो किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन कर पाने में सक्षम नहीं होता। सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि व्यवहार को प्रभावित करने में हमारे व्यक्तित्व का योगदान ना होकर हमारे वातावरण का योगदान ज़्यादा होता है, लेकिन कई ऐसी विशेष परिस्थितियाँ भी होती हैं जब हमारा व्यक्तित्व हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, कोई सामाजिक प्रभाव वाला व्यक्ति भी कई बार अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लग जाता है, और हमारा व्यक्तित्व सदैव उद्देश्य पर आधारित होता है। क्योंकि हम जिन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ से चलते हैं, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, इस वजह से उन उद्देश्यों से संबंधित क्रियाओं में ही हम रुचि लेते हैं, उन्हीं के अनुरूप हम क्षमताओं का विकास करते हैं और उन्हीं क्षमताओं को विकसित करने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अतः प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में करियर स्थापना करना चाहता हो, वो अपने उसी उद्देश्य के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और सबसे मुख्य तत्व व्यक्तित्व आत्मचेतना है। हमें स्वयं के विषय में जानकारी, अपने अस्तित्व के विषय में जानकारी प्रदान करना हमारा कहीं ना कहीं व्यक्तित्व ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को ये बताता है कि वह कितना गुणवान है, उसमें क्या दोष हैं और क्या अच्छाई है। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा तो अपने व्यक्तित्व का सही दिशा में विकास नहीं कर सकता है। तो आज हमने चर्चा की व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसके प्रमुख लक्षण, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में। डॉक्टर ज्योति, आपने बहुत गहराई से, बहुत वृहद विचारों के साथ में हमारे छात्रों के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत किया।
आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। नमस्कार।